Dear students, in this module, we are going to talk about survey design using case study method. जब हम uh, research design की बात करते हैं, तो हमने देखा कि survey design के अंदर जो है वो quantitative data collect किया जाता है और फिर उसकी बुनियाद पे generalizations develop की जाती हैं. लेकिन case study method जो है ये एक rigorous प्रोसेस होता है किसी एक फिनन को किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को जानने के लिए सो कंडक्टिंग एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन वो यूज दिस स्टडी मैथ दिस के स्टडी मैथड सो यूजिंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ डेटा सच एज इंटरव्यूज ऑब्जर्वेशंस डॉक्यूमेंट्स क्योंकि हमने किसी एक एस्पेक्ट को या किसी एक ग्रुप को या किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एक इदारे को फोकस करना होता है तो हमारा मकसद जो होता है उसके हवाले से इन डेप्थ मालूम लेना होता है उसके हवाले से कम्प्लीट नॉलेज जो है वो आ, लेना होता है तो हम केस स्टडी मैथड के अंदर क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव और ऑब्जरवेशनस और इंटरव्यूज़ ये सारे मैथड्स यूज़ करते हुए डेप्थ अनलिसिस की तरफ जाते हैं दैन आइडेंटिफाइंग द की थीम्स एंड पैटर्नस इन द डेटा चूँकि मैसिव लेवल के ऊपर डेटा कलेक्ट होता है और डेटा के अंदर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं तो हम ये करते हैं कि फिर हम की थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि आ, इस पूरे डेटा में से कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं और उनकी क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है किस तरह की कैटेगराइजेशन हो सकती है की थीम्स क्या हो सकते हैं उसके सब थीम्स क्या हो सकते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम इस डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं

इसकी जो लिमिटेशन हैं उनको भी वाज करना साथ ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कंडक्टिंग आ केस स्टडी ऑन द एक्सपीरियंसिस ऑफ पाकिस्तानी रिफ्यूजीज लिविंग इन द अर्बन स्लम्स तो जो भी रिफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर आते हैं वो अर्बन स्लम्स के अंदर रह रहे होते हैं लेट्स सपोज कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ के ऊपर हम केस स्टडी करना चाहते हैं उनके इस एक्सपैट्रिएट uh, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं उनके इस लिविंग पैटर्न को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं हम ये देखना चाहते हैं कि एक रिफ्यूजी की ज़िंदगी किस तरह की होती है तो आपको उस एस्पेक्ट को फोकस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी की ज़रूरत होगी तो इस तरह हम uh, एक रिलेटिवली मोर रिलायबल नॉलेज प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी एक ख़ास ग्रुप के बिहेवियर के ऊपर यूजिंग केस स्टडी मैथड